चोरी चोरी इस बकरी का दूध पी लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। ओ मुंशी, चोरी का दूध पीना छोड़, तुझे सरदार साहब ने याद किया, चल। हाँ हाँ चलो। सरदार साहब, मुंशी आ गया है। एक घंटा मैंने पहले कहा था तुझे, मुंशी को बुला गया, तू अब आ रहा है। सरदार साहब, जैसे ही आपका हुक्म मेरे पास पहुंचा, मैं दौड़ा चला आया। हमारे डेरे के ऊपर जितने भी लड़के काम कर रहे हैं, सब के सब सर के ऊपर चढ़ गए हैं। तुम किस बात के मुंशी हो? और मैं तुम्हें पूरी पावर देता हूँ, इन सब को खींच के रखो, खास तौर पे तुम इसको सीधा कर दो। सरदार साहब, आप टेंशन ना लो, आप देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक कह रहा है तू। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। सरदार साहब ने कहा था इन पे सख्ती करनी है। क्या हो गया मुंशी साहब? तेरी टोपी किधर है? सर पे टोपी पहना कर। टोपी किधर है तेरी? मैंने तुझे कहा था सर के ऊपर टोपी पहनना। मुंशी साहब, मेरा आखिर कसूर क्या है? सरदार साहब का आर्डर है, इनको सीधा करना है। टोपी पहन, टोपी। सरदार साहब, आपने जब से मुंशी को पावर दी है, वो हमें खाम खाम मारता रहता है। सुबह मारता है, शाम को मारता है, हमारी कोई गलती नहीं होती, बिला वजह हमें मारता रहता है। अच्छा अच्छा, तू अपना काम कर, समझाता हूँ मैं उसे। जाओ मुंशी को बुला के ला। ठीक है सरदार। पैसों की कोई टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है अपने पास। हाँ हाँ, 10-15 लाख की कोई बात ही नहीं है, दे दूंगा। तू ऐसा कर, मेरे नंबर पे 50 का बैलेंस भेज दे। मुंशी साहब, आपको सरदार साहब बुला रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। है भाई, बैलेंस फिर याद से भेज दियो। सरदार साहब, आपने मुझे याद किया? अभी उस मजदूर ने तुम्हारी शिकायत की है कि हमें बिला वजह मारता है। तुम बिला वजह ना मारा करो, मारने का बहाना होता है, बहाने से मारा करो। सरदार साहब, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मारना तो जरूरी है, लेकिन क्या बहाना बनाऊं, आप मुझे बताओ। मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम उसको भेजना पकौड़े लेने के लिए, पकौड़े लेके आओ। पकौड़ों के साथ ये दही वाली चटनी लाए तो तुम कहना पुदीने वाली क्यों नहीं लाए। इस बात पे उसको मारना, अगर ये पुदीने वाली चटनी लाए तो तुम कहना दही वाली क्यों नहीं लाए, फिर इस बात पे मारना, इस तरह बहाने से मारा करो। ठीक है सरदार साहब, आप टेंशन ना लो, आप देखो मैं क्या करता हूँ। टोपी किधर है तेरी? आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। जुबान लड़ाता है? Oh, no! ये पकड़ 50 रुपए। और पकोड़े लेके आ, पकोड़े। आ जाएगा मजा। थोड़ी देर बाद। ये मुंशी अगर शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। मैं तो पुदीने वाली चटनी भी ले आऊं और दही वाली भी। अब इसके पास कोई बहाना नहीं है, अब देखता हूं मुझे कैसे मारता है। एक बार इसको वापस आने दो, अब तो बहाना भी है, जम जम के पिटाई करूंगा। ये लो मुंशी साहब, आपके पकोड़े। चटनी लाए हो? जी, चटनी भी है। ये तो दही वाली चटनी है, पुदीने वाली चटनी क्यों नहीं लेके आई? रुको, मेरी बात सुनो। ये लो, पुदीने वाली चटनी भी है। पकोड़े छोड़, तेरी टोपी किधर है? टोपी किधर है तेरी?